In this lecture, we will work on the calculation of the adaptive rate of exponential smoothing. As we know that in simple exponential smoothing, we have a parameter which we denote by alpha. So we keep that alpha fixed throughout the time series. Now, in some situations, having the alpha fixed at some certain level may not be as helpful. So what we need to do that with the passage of time, we need to update the value of the smoothing parameter. So adaptive exponential smoothing is used in such scenario. Suppose we are working with this example where we have a set of 11 observations for a time series, and we want to calculate the adaptive rate exponential smoothing. Now, for the adaptive rate exponential smoothing, the first step is to calculate the adaptive parameter of exponential smoothing. Here is the formula of adaptive rate exponential smoothing. Alpha t is the parameter. ये जो actual और जो इसकी form है वो ये है कि alpha t जो parameter है जो कि time t पे depend कर रहा है, इसका मतलब है कि हम हर time point पे इसको update करते जाएंगे. अब इसको update करने के लिए जो पास्ट में हम हमारा नॉलेज हमें मिलता जाएगा उसकी बेस पे हम अल्फा को अपडेट करेंगे, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में हम ये करते हैं कि एक एक स्टेप हम फोरकास्ट कर रहे होते हैं. अब जैसे ही हम किसी फ्यूचर टाइम पॉइंट को फोरकास्ट करेंगे, एक वक्त आएगा कि वो फ्यूचर टाइम पॉइंट अकर करेगा और हमारे पास उसकी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन मौजूद होगी. अब एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और उसका फोरकास्ट हमारे पास मौजूद है तो हम फोरकास्ट एरर को कैलकुलेट कर सकेंगे. उस फोरकास्ट एरर के नॉलेज को यूज करते हुए हम अल्फा को अपडेट करना चाहेंगे. अल्फा की अपडेट करने का जो फार्मूला है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई टी डिवाइडेड बाय एम टी. हम जानते हैं कि अल्फा क्योंकि एक ऐसा नंबर है जो कि जीरो और वन के दरमियान लाया करता है, इसलिए उसकी वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यूज की है. ई टी एक तरह से स्मूदिंग है सॉर्ट ऑफ हमारे एरर की जो हम फोरकास्ट एरर कर रहे हैं. इसमें बीटा ई टी वन माइनस बीटा कैपिटल ई, जबकि ये जो कैपिटल ई टी है ये हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फोरकास्ट एरर. तो हमारा हर नेक्स्ट जो कैपिटल ई होगा वो कैलकुलेट हो रहा होगा बिल्कुल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग की तरह, जिस तरह से सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग होती है. जबकि कैपिटल एम जो है वो भी कैपिटल ई की तरह से है, लेकिन दोनों क्वांटिटीज में फर्क ये है कि कैपिटल ई में फोरकास्ट एरर की एक्चुअल वैल्यू आएगी, जबकि कैपिटल एम में उसकी हम मैग्नीट्यूड को यूज करेंगे, जिससे ये शो होगा कि कैपिटल एम जो है उसमें एरर की मैग्नीट्यूड आएगी. तो इररिस्पेक्टिव एरर पॉजिटिव या नेगेटिव है वो इसमें एक्यूमुलेट होता जाएगा, जबकि कैपिटल ई में वो एरर्स क्योंकि अपनी ओरिजिनल वैल्यू के साथ और साइन के साथ आ रहा है, इसलिए अगर एरर पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कॉन्ट्रा करने की पोजिशन में होंगे. और ई टी जैसे कि हम जानते हैं कि एक्स टी माइनस एफ टी यानी एक्चुअल वैल्यू माइनस फोरकास्ट है. अब इस तरह की प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें जहां पर हम किसी वैल्यू को उसके पास्ट पे डिपेंड करवा रहे होते हैं उसमें हमें उस प्रोसेस को इनिशिएट करना पड़ता है. अब इनिशियलाइजेशन हमने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने उसकी इनिशियलाइजेशन 0.2 पे कर दी. अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री हमें आमतौर पर फर्स्ट थ्री जो टाइम पॉइंट्स हैं वहां पर कुछ वैल्यू अस्यूम करनी पड़ेगी और उसकी बेस पे हम टाइम पॉइंट फोर फाइव सिक्स और इससे ऑनवर्ड अल्फा की कैलकुलेशन करते जाएंगे. एक कन्वेंशन यही है कि बीटा को अल्फा की वैल्यू के जो आपने इनिशिएट किया उसी पे आप फिक्स कर देते हैं, लेकिन बीटा की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है और हम देख सकते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा. बट फॉर द टाइम बींग हम बीटा को 0.2 पे फिक्स कर देते हैं, जबकि अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री भी 0.2 पे फिक्स्ड है. और इसके अलावा हमें इनिशिएट करते हुए पहला फोरकास्ट एक्चुअल वैल्यू को एज अ फोरकास्ट यूज कर लें और जो कैपिटल ई और कैपिटल एम है उसकी वजह से टाइम पॉइंट वन पे वो जीरो हो जाएंगे. इन सेटिंग्स को यूज करते हुए हम टाइम पॉइंट फोर फाइव सिक्स और इससे ऑनवर्ड अल्फा की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं. तो जो टाइम पॉइंट थ्री है उस पे अडेप्टिव फोरकास्ट अपने उसी रूल को यूज करते हुए हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे.
जबकि अल्फा 2 जो है वो रेशियो होगा E1 और M1 की और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और बाकी भी E और कैपिटल M के फार्मूला जैसा कि हम जानते हैं। इस बेस पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमने सपोज ये एक फोरकास्ट किया, इसको एज अ फोरकास्ट यूज कर लिया और यहां से जो फोरकास्ट एरर है 135 माइनस 200 वो माइनस 65 और उस फार्मूला को यूज करते हुए बीटा के साथ इसको स्मूथ किया तो कैपिटल ई जो है वो माइनस 13 और कैपिटल एम जो है वो प्लस 13 हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि कैपिटल एम में उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज हो रही होती है और हमने अल्फा को अभी उसी इनिशियल लेवल 0.2 पे हमने उसको रखा हुआ है। ये जो फर्स्ट 3 हैं ये हम एक तरह से अस्यूम कर रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ हम एफ ई टी कैपिटल ई और कैपिटल एम की कैलकुलेशंस करते जा रहे हैं। अब यहां से जो टाइम 5 से ये हम उसकी कैलकुलेशन को स्टार्ट कर रहे हैं अल्फा की। अगर आप नोटिस करें तो अल्फा में चेंज आ रही है 0.462, 0.597 और इस तरह से ये यहां पर आते आते 0.136 हो गया और उससे नेक्स्ट टाइम पॉइंट पे 0.199 अगेन। अब ये जो अडेप्टिव रेट है ये किस तरह से चेंज हो रहा है, इसमें जो बहुत मेन रोल है वो बीटा प्ले कर रहा है क्योंकि ये अल्फा की जो अडेप्टिव कैलकुलेशन हो रही है वो कैपिटल ई और कैपिटल एम की बेस पे हो रही है और कैपिटल ई और कैपिटल एम इन दोनों क्वांटिटीज की जो स्मूदिंग है वो बीटा की हेल्प से की जा रही है। अभी इस एग्जाम्पल में हमने बीटा की वैल्यू 0.2 ली है तो अगर हम देखें तो अल्फा के जो रिजल्ट्स हैं उसमें काफी अप्स एंड डाउन्स आगे आ रहे हैं तो हम लेटर इसको स्टडी करेंगे कि कैसे बीटा की वैल्यू को चेंज करने से अडेप्टिव रेट पे फर्क पड़ेगा।